हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्प्रोरी डिलीट कर सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। और चैनल पर अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, यहाँ पे इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, आगे फोन के स्क्रीन पे सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में जाने के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको अपना प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर टैप करना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको स्टोरी वाला ऑप्शन पर टैप करना है। तो गाइज, यहां से भी स्टोरी में आ सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं, वो आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। प्लस आइकन पर टैप करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं स्टोरी का ऑप्शन है, तो आपको स्टोरी वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं स्टोरी का ऑप्शन, आपको यहां पे टैप कर देना है। तो गाइज, यहां से भी आप स्टोरी में जा सकते हैं। तो किस तरह से आपको स्टोरी सेटिंग करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, हाइड स्टोरी फ्रॉम, आप यहाँ पे पार्टिकुलर पर्सन को, किसी को भी यहाँ पे हाइड कर सकते हो। जैसे कि किसी को अगर एक को हाइड करना है और सबको दिखाना है, तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। एक दो जितना लोग को आप करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन लोग को आप हाइड किए हो, तो तीन लोग आपका स्टोरी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है आपको क्लोज फ्रेंड, अगर आपको क्लोज फ्रेंड का सिर्फ स्टोरी दिखाना होता है, तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पे आप जिसको जिसको आप क्लोज फ्रेंड में यहाँ पे ऐड कीजिएगा, सिर्फ वही लोग आपका स्टोरी देखेगा। चलिए यहाँ पे दो चार लोग को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पे जब भी आप स्टोरी लगाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से ऑप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक कर ली, उसके बाद आपको सेंड टू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज फ्रेंड। तो अगर आप यहाँ पे शेयर करते हो तो सिर्फ आपका वो क्लोज फ्रेंड ही आपका स्टोरी देख सकता है। उसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है वो अलाउ मैसेज रिप्लाई। जैसे कि कोई भी स्टोरी लगाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ, जैसे कि ये स्टोरी लगाए हुए, तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्टोरी पे सेंड मैसेज का ऑप्शन नहीं शो करे, तो आपको वहाँ पे ऑफ करना होगा। तो चलिए वहाँ पे चलते फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तो पहला जो एवरीवन, एवरीवन जब भी आप रखिएगा तो कोई भी आपके स्टोरी पर कोई भी मैसेज कर सकता है। उसके बाद आपको पीपल यू फॉलो, अगर आप चाहते हो कि जो जो आपको फॉलो किया है सिर्फ वो आपको मैसेज कर सके, तो आपको यहाँ पे रखना होगा। अगर आप चाहते हो कोई भी हमारे स्टोरी पे मैसेज नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे ऑफ कर लेना होगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आप एवरी वन रख करना चाहते हो तो आप एवरी वन कर सकते हो, अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे एवरी वन कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है सेव अ स्टोरी टू गैलरी, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका स्टोरी लगा हुआ आपकी गैलरी में सेव हो जाए, तो आपको ये ऑप्शन को ऑन रखना है। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो है सेव अ स्टोरी टू अर्काइव, मतलब इसका मतलब ये होता है अगर आप जो भी स्टोरी लगाते हो, अगर आप चाहते हो कि वो रिमूव भी हो जाए और आपका अर्काइव में सेव हो जाए, तो आपको इसके लिए ऑन करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना हाईलाइट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो है अलाउ शेयरिंग टू स्टोरी, यहाँ पे वो देखिए साफ साफ लिखा हुआ, अदर पीपुल कैन ऐड योर फीड पोस्ट एंड IGTV एंड देयर स्टोरी योर यूजर नेम, अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टोरी है कोई भी शेयर करे, अगर आप चाहते हो कि उसमें यूजर नेम शो करे, तो आपको यहाँ पे ऑन रखना होगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑफ करना होगा। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो है अलाउ शेयरिंग टू मैसेज, अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो हो या वीडियो हो कोई चीज़ पे अगर आपका कोई मैसेज नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे ऑन ऑफ रखना होगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी मैसेज कर पाए, तो यहाँ पे आपको ऑन रखना होगा। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है शेयर योर स्टोरी टू फेसबुक, अगर आप चाहते हो कि जो स्टोरी आपका इंस्टाग्राम पे शेयर हो रहा है वही स्टोरी आपका फेसबुक पे शेयर हो, तो उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम से फेसबुक से कनेक्ट करना होगा। अगर आप कनेक्ट किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ऑन करना होगा।
तो जो भी आप स्टोरी यहाँ पे पोस्ट करेंगे वही स्टोरी आपका फेसबुक पे पोस्ट हो। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो किस तरह से इंस्टाग्राम स्टोरी सेटिंग करना है ये तो आपको पता चल गया हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।